आज छत्तीसगढ़ के पुरखा भक्तिन राजे माता की जयंती आए। उकर भक्ति एक मिसाल रही है। आवो जानन कौन रहीन राजन तेलेन और का है उकर भक्ति के। भक्त माता राजिम, पिता के नाम धर्मदास, माता के नाम शांति। माता राजिम के विवाह अमरदास नाम के मनखेले हो रही। तैलिक वंश में जन्मे भक्तिन माता राजिम तेलिन भगवान विष्णु के अनन्य भक्तिन रही। राजीव लोचन के मूर्ति विहीन मंदिर में उन रोज पूजा करें। राजिम तेलिन माता धार्मिक स्वभाव के रहिन, जौन घानी ले तेल निकाल के गांव मन में बेचत रहिन। बताया जाते कि एक दिन रद्दा माँ कोनो पथरा ले टकरा के भक्तिन माता के सबो तेल गंवा जाते, जेकर ले राजिम दाईला चिंता हो जाते और वह घर जाके काय के ही एला बैठ के सोचे लगते। निराश राजिम दाई तेल के पात्र ला उही पथरा में राख के भगवान ले विनती करे लगते। तहां देखते देखत पात्र तेल ले भर जाते। ये तेल दिन भर बेचे के बाद घलो नहीं सिरावे, जेकर ले राजिम दाई ला अचरज होते और वह एक दूसर खाली पात्र ला पथरा ऊपर राख देते और देखते कि ओमा घलो तेल लबालब भर गए। चमत्कारी पथरा ला खुदवा के बाहर निकाले जाते। वह भगवान विष्णु के चतुर्भुज मूर्ति के रूप में रहते, जेला राजिम दाई अपन घर लाके स्थापित कर देते और पूजा पाठ करे लगते। देखते देखत राजिम दाई के परिवार संपन्न होए लगते और मूर्ति के चर्चा घलो चहुओर होए लगते। घर में संपन्नता आए के बाद राजिम दाई के पति होला सुझाव देते कि अब घूम घूम के तेल नहीं बेचन। फिर राजिम दाई ये बात के विरोध करते और कहते कि जेन काम ले हमर पहचान और संपन्नता है वोला नहीं छोड़ना चाहिए। वही बेरा राजा जगतपाल ला सपना में ईश्वर के आदेश होते कि ओकर मंदिर बनवाया जाए। राजा जोर शोर ले मंदिर बनवाते, फिर स्थापना पर मूर्ति ला लेके हलकान रही थे। ऐसे में ओला भक्त माता राजिम के मूर्ति के बारे में पता चलते। वह जाके माता ले मिलते और मूर्ति ला स्थापना पर देहे के निवेदन करते, जेकर बदला में वह मूर्ति के वजन के सोना देह के प्रस्ताव रखते। तराजू के पलड़ा में एक डहर मूर्ति तथा दूसर डहर सोना चांदी भर दे जाते। फिर तराजू के पलड़ा तसले मसनी हो, राजा परेशान हो जाते। दूसर दिन ओला भगवान फिर सपना में कही थे कि राजिम ओकर अनन्य भक्ति ना ये प्रस्ताव ओकर कना वह सह सम्मान राख है और तराजू के दूसर पलड़ा मा तुलसी के पत्ता जरूर राख है। राजा वैसने करते और एक बाद भगवान राजिम लोचन की स्थापना मंदिर में करे जाते। भक्त माता राजिम अपन देवता के बिना नहीं रह सके और मंदिर में ही देवता के आगू अपन भक्ति करत जीवन ल त्याग देते, जेकर बाद ले ये मंदिर भक्त माता राजिम के नाम ले राजिम लोचन पर जाते और भक्तिन माता राजिम के भक्ति छत्तीसगढ़ सहित विश्व में स्थापित हो जाते। आज हमर महान पुरखा भक्तिन माता राजिम तेलिंदाई के जयंती मा उनला सादर नमन जोहार। जय छत्तीसगढ़।